हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी। देखिए, आज हम फिर से अपने इस लेक्चर में क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक को देखते हैं। इससे पहले हमने नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को देखा था, आज हम देखते हैं अपना टॉपिक इन्फ्लेशन, जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया हुआ था, बजट को देखा था, उसके दोनों हिस्से देखे, इनकम एक्सपेंडिचर दोनों देखा, फिर हम नेशनल इनकम की तरफ बढ़े थे, आज हम इन्फ्लेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम इसमें वो सारी चीजें देख रहे हैं इस सीरीज में जो आपके एसएससी, रेलवे, डिफेंस, इन सारे के सारे एग्जाम्स में आते हैं, इनसे रिलेटेड चीजें ही इसमें देख रहे हैं। बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है, उसके रिलेटेड है, केवल वही चीजें इसमें हम देख रहे हैं, उन्हीं चीजों को हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं इन्फ्लेशन की तरफ। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, आप सभी को इसका मतलब पता होगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, आपको पता है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, अगर हम देश की ले लें चाहे दुनिया की ले लें, कभी महंगाई होती है, कभी चीजें सस्ती हो जाती है, तो ये सब चीजें चलती रहती है। तो उसी कड़ी में सिचुएशंस ऑफ इकोनॉमी को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिचुएशंस ऑफ इकोनॉमी, जिसमें से एक है आपका इन्फ्लेशन। सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कुछ टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, जैसे पहले लिखा है लिक्विडिटी, फिर है लिक्विड्स, और यह है परचेजिंग पावर। अगर आप में से कुछ लोग इससे फैमिलियर हैं तो आपको पता होगा कि तीनों टर्म्स क्या हैं। अगर कुछ लोग फैमिलियर नहीं है तो उनके लिए बता देता हूँ। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, जो आपके जो पैसा है, ठीक है, मार्केट में जो पैसा है वो लिक्विडिटी है। कितना पैसा है, क्या पैसे की स्थिति है मार्केट में, सब चीजें क्या है, लिक्विडिटी है। यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, पैसे के बारे में जो पैसा है उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। और लिक्विड्स क्या है, लिक्विड्स मतलब पैसा किस चीज के लिए होता है, वस्तुओं के लिए होता है, आपकी डिमांड्स वस्तुओं के लिए होती है, तो वो सारी चीजें लिक्विड्स में आ जाती हैं। जो गुड्स हैं वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, लिक्विड्स बोला जाता है। लिक्विडिटी मतलब पैसा हो गया, लिक्विड्स मतलब वस्तुएं हो जाती हैं, और इसमें एक है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब निकल के आता है आपके खरीदने की क्षमता। लेकिन इकोनॉमिक्स में परचेजिंग पावर का यहाँ पे क्या मतलब, हाँ इसका हम इसी से रिलेटेड होता है, एग्जैक्टली खरीदने की क्षमता नहीं बोलेंगे, इससे रिलेटेड होता है। परचेजिंग पावर का क्या मतलब है कि जो आपकी करेंसी है आपके देश में, जो भी करेंसी है वहां पे, उसकी एक यूनिट में आप कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को ले सकते हैं, या आप कितने गुड्स या कितने लिक्विड्स आप परचेज कर पा रहे हैं, उस मात्रा को क्या बोला जाता है, परचेजिंग पावर। मान लीजिए हमारे देश में, मान क्या लीजिए, ऑब्वियसली हमारे देश में रुपीज है, रुपया है, तो उसकी एक यूनिट में, मान लो एक रुपये में आप कितनी चीजें खरीद पा रहे हो, तो वो क्या है, परचेजिंग पावर है। अगर आप उस एक यूनिट में, जो भी करेंसी है उसकी एक यूनिट में अगर ज्यादा चीजें खरीद पाते हो तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती चली जाती है। अगर उसी एक यूनिट में आपकी खरीदने की क्षमता कम होने का मतलब है कि आपके उसमें गुड्स जो हैं अब आप उस एक रुपए में कम खरीद पा रहे हो, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गुड्स, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, जितने भी गुड्स आप लोग खरीद पा रहे हो उस एक यूनिट में, करेंसी की एक यूनिट में, उसको बोला जाता है परचेजिंग पावर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या है, सबसे पहले इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको पता है क्या होता है, महंगाई होता है। क्या होता है इसमें, जब इन्फ्लेशन आता है तो क्या होता है उस टाइम पे। इन्फ्लेशन के बारे में हल्की सी बात हमने पहले भी करी थी, छोटी सी बात उसमें करी थी, जब मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब देश की गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी की तरफ बढ़ती है अगर, तो उस टाइम पे तो क्या क्या चीजें झेलनी पड़ जाती हैं, उसकी वजह से। जो चौथा उपाय बताया था ना आपको मैंने, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो क्या होता है उसमें, इन्फ्लेशन में यही होता है कि जो सबसे पहली बात, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, यानी कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, लोगों के जेब में बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, यानी कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इस एरो का ऊपर का मतलब है बढ़ना और नीचे का मतलब है घटना, ठीक है। तो जब भी इन्फ्लेशन आएगा इसका मतलब है कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ चुका है। मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, तो करेंसी की वैल्यू है वो घट जाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 100 रुपए है, तो 100 रुपए की वो वैल्यू अब नहीं रह जाएगी जो पहले हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि अब सभी के पास पैसे हैं अगर, तो 100 रुपए की वो औकात ही नहीं है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। करेंसी की वैल्यू घट गई मतलब क्या है, इन्फ्लेशन मतलब लिक्विडिटी बढ़ गई, मार्केट में पैसा बढ़ चुका है। और दूसरी स्थिति क्या, जो वस्तुएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। इस स्थिति में वस्तुएं क्या हो जाती हैं, कम, जिन चीजों के लिए हमारी डिमांड होती है वो चीजें कम हो जाती हैं, और लेकिन हमारे पास पैसा ज्यादा हो जाता है। पैसा ज्यादा होने की वजह से ही तो हमारी डिमांड बढ़ती है, कि हमें लगता है कि हमारे जेब में बहुत पैसा है, हम सारी चीजें खरीद सकते हैं, तो हमारी डिमांड बढ़ती चली जाती है, और डिमांड इस कदर बढ़ जाती है कि जो वस्तुएं होती हैं वो कम हो जाती है हमारे सामने, है ना। पैसा बढ़ जाएगा और वस्तुएं कम हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन। क्यों आएगा, क्योंकि अगर वस्तुएं कम है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट क्या करेगी, उन क्या, ताकि वो जो कम वस्तुएं हैं सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जा सके, उसके लिए उसके रेट्स को बढ़ा देगी, जाहिर सी बात है। रेट्स को बढ़ाने से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, पैसे बढ़ जाते हैं मार्केट में, वस्तुएं कम हो जाती हैं, तो परचेजिंग पावर में क्या रहेगा। देखिए,
अब लिक्विडिटी बढ़ चुकी है, यानी कि पैसा तो बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में लेकिन लिक्विड्स कम है, तो आप उतनी वस्तुएं नहीं खरीद पाओ। क्यों? आपके पास पैसा है ये चीज हम मानते हैं, लेकिन उसको खरीदने के लिए चीजें भी तो होनी चाहिए। क्या खरीदोगे उस पैसों से? ठीक है, अगर जो भी यहाँ पे आपको मान लो एक रुपया है, ठीक है, एक रुपया है, अगर आपके पास खरीदने के लिए वस्तुएं ही नहीं है तो क्या खरीदोगे उस एक रुपये से? कुछ नहीं। तो इस एक रुपये में आप लिक्विड्स क्या ज्यादा खरीद पाओगे? नहीं, क्योंकि लिक्विड्स कम है, तो इसमें जो गुड्स आएंगे गुड्स की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही मैं उसमें आपको बता रहा था कि परचेजिंग पावर में क्या होता है, जो आपकी करेंसी है उसकी यूनिट एक ले लो, मतलब यूनिट इकाई, उसकी इकाई मात्रा ले लो, तो यूनिट में यानी कि एक रुपए में आप कितने गुड्स खरीद पा रहे हो वही क्या होता है आपकी परचेजिंग पावर होती है। तो जैसे जैसे आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट में लिक्विड्स घटेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, क्योंकि इस रुपए में आपके पास खरीदने के लिए वस्तुएं ही नहीं हो रहेंगी, वस्तुएं रहेंगी भी तो कम मिलेंगी आपको, तो क्या हो जाएगा, परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस पूरे सिस्टम में, ये चीजें तो समझ जाते हैं, परचेजिंग पावर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, परचेजिंग पावर मैं एक बार लास्ट बार बताता हूँ, आगे से नहीं बताऊंगा। इसका मतलब यही है कि जो आपकी यूनिट करेंसी यानी जो भी करेंसी है उसके अगर आप इकाई मात्रा ले लेते हैं, एक रुपया भी आप ले लेते हैं, तो उसमें आप कितनी वस्तुएं खरीद पा रहे हैं, उसमें जितनी वस्तुएं खरीद पा रहे हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सब दूसरा क्या है, डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का उल्टा बोल सकते हो आप। ठीक है, इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है, डिफ्लेशन होता है एक तरीके से। डिफ्लेशन में क्या होता है, पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, जाहिर सी बात है पैसा इसमें क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, लिक्विड यानी कि वस्तुएं भी ज्यादा हो जाती हैं। समझ रहे हैं इस बात को? यहाँ पे क्या होता है, महंगाई के टाइम पे वस्तुएं कम हो जाती हैं, जिस वजह से इन्फ्लेशन हो गया था, लेकिन यहाँ क्या होता है, इस स्थिति में ये होता है कि पैसा तो ज्यादा है ही, लेकिन साथ में वस्तुएं भी ज्यादा होती हैं, तो वस्तुएं भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, आपका परचेजिंग पावर भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसी एक रुपए में आप क्या कर सकते हो, अब ज्यादा चीजें खरीद पाओगे। यहाँ पे आप कम चीजें खरीद पा रहे थे क्योंकि वस्तुएं कम थी, अब यहाँ पे इस एक रुपए में ज्यादा चीजें खरीद पाओगे क्योंकि अब यहाँ पे वस्तुएं ज्यादा है, तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। पहले कम हो रही थी, अब बढ़ने लगेगी। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन वो स्थिति है जिसमें क्या होता है, आपका महंगाई 0% से, एक तरीके से हम बोलते हैं इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा होता है, लेकिन 0% से कम रेट पे, महंगाई के बढ़ने की दर 0% से कम रेट पे आ जाए। अगर अल्टीमेटली देखो तो महंगाई नहीं हो रही है, वो घट रहा है चीजें, लेकिन हम बोलते कैसे हैं, जब इन्फ्लेशन 0% से नीचे के रेट पे आने लगता है तो वो क्या होता है, डिफ्लेशन होता है। इसका क्या मतलब, माइनस की तरफ जाएगा अगर, तो है ना, तो इसमें आप क्या खरीद पाओगे, ज्यादा चीजें खरीद पाओगे। तो इस चीज को याद रखना, जब इन्फ्लेशन 0% से निचले रेट पे जाने लगता है, 0% से निचले रेट पे इन्फ्लेशन हो रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्लेशन स्थिति बोलते हैं। लिक्विडिटी इसमें भी ज्यादा रहेगी, लिक्विड्स इसमें ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है आपका डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन कुछ नहीं है, डिसइन्फ्लेशन एक इन्फ्लेशन ही है, बस क्या इसमें इन्फ्लेशन होता है लेकिन एक लो रेट के साथ होता है, ठीक है, हल्के हल्के रेट के साथ, कम कम परसेंटेज के साथ इन्फ्लेशन जब बढ़ती चली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक तरीके से बोल सकते हो, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक हल्के कम रेट के साथ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ही हो रहा था लेकिन कम रेट के साथ। रिसेशन क्या होता है, देखिए रिसेशन जो है ना, मंदी, ये कभी भी छोटे सेक्टर्स में देखने को नहीं मिलती है, रिसेशन हमेशा बड़े बड़े सेक्टर्स में होता है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओगे, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, या जितने भी लग्जरियस आइटम्स होते हैं, इन सब चीज़ों पे हमेशा रिसेशन देखने को मिलता है। तो रिसेशन हमेशा छोटे मार्केट में नहीं आता है, बड़ी बड़ी लग्जरी आइटम्स में, ब्रांडेड आइटम्स में ही क्या आता है, रिसेशन देखने को मिलता है। रिसेशन में क्या होता है, पैसा बहुत कम हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रिसेशन में लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है और लिक्विड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, समझ रहे हैं इस बात को, पैसा नहीं है आपके पास, पैसा आपके पास धीरे धीरे कम हो, ये नहीं बोलेंगे नहीं है, नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि पैसा आपके पास कम होता चला जा रहा है, बिल्कुल लगातार पैसा कम हो रहा है लेकिन वस्तुएं ज्यादा होती चली जा रही हैं, है ना। अब इतनी ज्यादा वस्तुएं हैं लेकिन पैसा ही नहीं है तो खरीदोगे कैसे, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, देखिए यहाँ पे क्या है, पैसा कम हो रहा है, ठीक है, मान लो एक रुपया है लेकिन इस एक रुपये में खरीदने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वस्तुएं लगातार बढ़ रही हैं, तो आप अगर एक तरीके से देखो तो इस एक रुपए में बहुत चीजें खरीद सकते हो। वो बात अलग है कि आप खरीद पा रहे हो कि नहीं खरीद पा रहे हो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि परचेजिंग पावर मतलब खरीद पाना आपको लगता है ट्रांसलेशन में, लेकिन ऐसा है नहीं, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप देखो एक तरीके से, तो इसमें क्या होगा, एक रुपया है तो बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो क्योंकि वस्तुएं बहुत ज्यादा है। अब खरीद पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो वो चीज़ अलग बात है, ठीक है, क्योंकि पैसा ही नहीं तो खरीदोगे कैसे, लेकिन इस एक रुपए में आप
कोर्स बहुत ज्यादा खरीद सकते हो, इसकी वजह से क्या होता है हम परचेजिंग पावर को बढ़ा हुआ बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस एक रुपए में आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो क्योंकि गुड्स मार्केट में ज्यादा हैं, पैसे आपके पास नहीं इस वजह से आप खरीद नहीं पा रहे हो, बात अलग है, ठीक है, ये चीज आपको समझ आ रही होगी। आपको रिसेशन में ये याद रखना है कि हमेशा ब्रांडेड आइटम्स में आती है, छोटे मोटे मार्केट में नहीं होता है। रिफ्लेशन की बात करते हैं, रिफ्लेशन और डिफ्लेशन आपको एक जैसा दिखेगा, ठीक है, रिफ्लेशन डिफ्लेशन एक जगह देखेगा, इसमें अंतर क्या है, बिल्कुल सेम है, देखिए लिक्विडिटी बढ़ेगी यहाँ पे भी, वस्तुएं भी यहाँ पे ज्यादा होती हैं और परचेजिंग पावर भी आपकी ज्यादा ही देखने को मिलती है, बस अंतर क्या होता है ना, यहाँ पे बताया था ना इन्फ्लेशन होता है 0% से नीचे, यानी कि वस्तु का रेट गिर रहा है, भले मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 0% के रेट से नीचे, 0% से नीचे आने का मतलब क्या है कि वस्तु की कीमत गिर रही है, जो भी उसका नॉर्मल प्राइस होगा नॉर्मल प्राइस से नीचे को आ रहा है उसका रेट, 0% से नीचे का मतलब क्या है कि इसका रेट 0% मतलब नॉर्मल प्राइस से नीचे आ रहा है। लेकिन डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में ठीक इसका सॉरी रिफ्लेशन में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, डिफ्लेशन का उल्टा मतलब जो घटा हुआ रेट है 0% से नीचे है ये वस्तु के प्राइस को नॉर्मल रेट पे लेके आने का ट्राई करता है, ठीक है, मान लीजिए ये नॉर्मल प्राइस है, ठीक है, ये नॉर्मल प्राइस है, जब इससे नीचे की तरफ रेट जा रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्लेशन बोलते हैं, 0% से नीचे के रेट पे इन्फ्लेशन होना क्या कहलाता है, डिफ्लेशन। लेकिन जो नीचे का प्राइस है जब ये बढ़ के ऊपर जा रहा होता है नॉर्मल रेट पे जा रहा होता है, ठीक है, इसको याद रखना, जब नॉर्मल से नीचे आएगा तो डिफ्लेशन कहलाएगा और जब नीचे से नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा नॉर्मल की तरफ जा रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेशन बोलेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही महसूस हो रहा होगा, ये आपको पॉजिटिव वर्ड दिखाई देता है, ये आपको नेगेटिव वर्ड दिखाई देता है, ठीक है, तो स्थिति दोनों में सेम रहती है, पैसा इसमें बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड इसमें भी ज्यादा हो रहे होते हैं, परचेजिंग पावर जाहिर सी बात है ज्यादा रहेगी। आगे बढ़ते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन और रिसेशन एक ही बात है, लेकिन रिसेशन जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चले जाता है, रिसेशन जब आपका और एक दो लेवल आगे बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। रिसेशन तक चले जाए हमारा देश तो हम झेल सकते हैं, रिसेशन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, एक बार को टैकल कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन में कभी हमारा देश नहीं जाना चाहिए, जब कोई भी देश नहीं जाना चाहिए दुनिया का, अगर डिप्रेशन में चले गया तो उसको फिर कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, डिप्रेशन इसको तो हम कवर कर भी सकते हैं, इसको नहीं कर पाएंगे, तो डिप्रेशन इसकी एक दो तीन लेवल इससे आगे की स्थिति है, यानी कि रिसेशन से आगे, इसमें लिक्विडिटी पैसा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है, तीन एरो का मतलब है कि बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यहाँ कम था यहाँ बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यहाँ पे क्या था वस्तुएं ज्यादा हो जाती हैं लेकिन यहाँ वस्तुएं भी नहीं होती हैं, ठीक है, ना ही आपके पास पैसा है ना ही आपके पास वस्तुएं हैं, तो आप वस्तु खरीद ही नहीं पाओगे, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ रहे हैं इसको, ना पैसा है ना वस्तु है तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब बढ़ना होता है महंगाई का, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब और भी ज्यादा बढ़ जाना, बिल्कुल अल्टीमेट लेवल पे चले जाना, यानी कि ये देखिए पैसा यहाँ बढ़ रहा था यहाँ, लेकिन अल्टीमेट बहुत ही ज्यादा लेवल पे बढ़ जाता है, कुछ ज्यादा ही मात्रा में लोगों के पास पैसा आ जाता है और लिक्विड्स उतनी ही मात्रा में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो यहाँ भी कम होते हैं लेकिन कुछ ज्यादा ही कम हो जाते हैं, जाहिर सी बात है जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी लोगों की, पैसा बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी तो वस्तुएं कम होंगी, कुछ ज्यादा ही लेवल में बढ़ जाएगी तो ज्यादा ही लेवल में कम हो जाएंगी वस्तुएं, तो इतना ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाती है, इतनी कम वस्तुएं हो जाती हैं कि परचेजिंग पावर बिल्कुल जीरो हो जाती है, खरीद ही नहीं पाते हैं कोई चीज, जैसा कि इसका एग्जांपल आप वेनेजुएला देख सकते हैं, वेनेजुएला में क्या हुआ था, वहां पे पैसा इतना ज्यादा हर किसी की जेब में, जैसे आप 10 रुपए लेके घूमते हो वैसे वो 1 लाख रुपए लेके घूम रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या है वस्तुएं भी उतनी कम मिलती है, 1 लाख रुपए का आपको एक ब्रेड मिलता है वहां पे ना, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, वस्तुएं बहुत ज्यादा कम है, परचेजिंग पावर उनकी क्या है बिल्कुल जीरो हो जाती है, ना पैसा ही आप, ठीक है, बहुत ज्यादा ये बहुत कम है, खरीदने के लिए वस्तुएं ही नहीं है तो क्या कहाँ से परचेजिंग पावर आपकी बढ़ेगी। मेन हम ये बोल सकते हैं कि परचेजिंग पावर के लिए क्या आपका मेन चीज है, वो है ये लिक्विड्स, अगर आपके पास मार्केट में लिक्विड्स ही नहीं है तो परचेजिंग पावर आपकी कम होती चली जाएगी, है ना, इसका फर्क उतना नहीं पड़ता जितना इसका पड़ता है, लिक्विड्स का फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा परचेजिंग पावर पे। इसके बाद स्टैगफ्लेशन दिख रहा होगा, स्टैगफ्लेशन कुछ नहीं है, जब इनमें से तीन चीजें एक साथ होती हैं, कौन कौन सी तीन चीजें, जब इन्फ्लेशन मार्केट में चल रहा हो, महंगाई चल रही हो, उसके साथ साथ ब्रांडेड चीज़ों पे जो जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, इन सब जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, इनमें रिसेशन देखने को मिल जाएगा आपको, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाएगा, तो इन तीनों की कंबाइंड जो स्थिति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, ये तीन स्थितियां एक साथ देखने को मिलेंगी, महंगाई मार्केट में चल रही होगी, उसके साथ साथ बड़ी बड़ी जो बड़े आइटम ब्रांडेड आइटम्स होते हैं उनमें रिसेशन चल रहा होगा, उसके साथ साथ आपको मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाएगा, तो ये तीन चीजें जब एक साथ होती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। आई होप आपको ये पूरा चार्ट समझ में आया होगा, ये सिचुएशन इकोनॉमी की समझ में आई होगी, नहीं आया तो इसको आप बार बार देखिए, दो तीन बार देखो आपको इजीली समझ आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इससे पहले था
सिचुएशंस थी ये सारी की सारी, ठीक है। अब हम इन्फ्लेशन के टाइप्स को देख लेते हैं, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कभी कभी एसएससी में ये एक या दो मार्क्स के लिए कभी कभी पूछ लेता है, तो आपका वो भी नहीं छूटना चाहिए। ये है क्रीपिंग, सबसे पहले टाइप क्या, इन्फ्लेशन का पहला टाइप क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, महंगाई बढ़ रही होती है लेकिन एक लो रेट से, बहुत बहुत ही धीमे धीमे बढ़ रही होती है आपकी महंगाई। हमने इसमें देखा हुआ था कहाँ पे वो महंगाई बढ़ रही थी, यहाँ पे, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन में क्या हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी लेकिन एक लो रेट के साथ, तो यही क्या हो जाएगा आपका, क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। बहुत हल्के हल्के रेट के साथ बहुत धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही होती है, क्रीपिंग। गैलोपिंग में क्या होता है कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, एकदम से अनकंट्रोल्ड वे में जब आपकी महंगाई बढ़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे, गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन आपने देखा था, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, यहाँ पे कहीं बताया था मैंने अभी, ये था, ठीक है। मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, लिक्विड्स बहुत कम हो जाते हैं वस्तु में, परचेजिंग पावर जीरो हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, आपकी डिमांड बढ़ने की वजह से तो महंगाई बढ़ रही होती है, जैसा कि आपको पहली स्थिति में दिख रहा था ना, इस स्थिति में क्या दिख रहा था, आपकी डिमांड बढ़ जाती है, पैसा ज्यादा होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो यही चीज क्या कहलाती है, आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाती है। इसमें क्या होता है, डिमांड बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ती है, क्यों, डिमांड बढ़ेगी तो वस्तुएं कम होने लगती है, वस्तुएं कम होने की वजह से उनका रेट बढ़ा दिया जाता है, जिस वजह से वहां पर क्या होता है, इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, तो ये बोला जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसके बाद कॉस्ट पुश, नाम से ही मालूम चला, कॉस्ट पुश मतलब जो उसको बनाने में लागत आ रही है, जब वो लागत बढ़ जाती है, यानी कि जो बनाने में जितना भी कीमत आ रहा है मैन्युफैक्चरर को, उसकी कीमत जब बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश। जाहिर सी बात है, जब मैन्युफैक्चरर के जेब में पैसा, जब उसके जेब में लोड पड़ेगा तो वो कंज्यूमर पे अल्टीमेटली टूटेगा, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है, जब उसको वस्तु को बनाने में आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में ही देखने को मिल जाती है। शॉर्ट टाइम कैलकुलेशन, यानी कि एक शॉर्ट टाइम के लिए इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जैसे आपके खाने के आइटम्स होते हैं, इन सब चीज़ों में जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उसको हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये छोटे छोटे टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाता है, एक साल, दो साल, तीन साल, दो महीने, तीन महीने, ये छोटे छोटे टाइम पीरियड होते हैं, इसके लिए इस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है शॉर्ट टाइम के लिए। बॉटलनेक इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब सप्लाई कम हो जाती है, जाहिर सी बात डिमांड बढ़ेगी तो वस्तुएं कम हो जाएंगी, तो क्या होता है, वस्तुओं की सप्लाई भी आपकी वो हो जाती है, इम्पीड होती है, तो वस्तुओं की सप्लाई जब आपकी कहीं ना कहीं बाधित हो रही होती है, तो उसकी वजह से तो महंगाई बढ़ती है, उसको बोलते हैं बॉटलनेक, क्योंकि सप्लाई नहीं होगी तो वस्तुएं कम हो जाएंगी मार्केट में, जिसकी वजह से वहां पे क्या कर दिया जाएगा, रेट बढ़ा दिया जाएगा, जो आपको अक्सर काला बाजारी के टाइम पे देखने को मिलता है। काला बाजारी में क्या होता है, वस्तुओं को जमा कर दिया जाता है, सप्लाई नहीं करी जाती है मार्केट की तरफ, और उससे क्या हो जाता है, मार्केट में महंगाई बढ़ने लगती है, वो होता है बॉटलनेक। और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इसी का उल्टा, हेडलाइन का उल्टा। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन, एक लंबे समय के लिए हम कैलकुलेशन को इसमें इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, एक लंबे टाइम पीरियड का इन्फ्लेशन इसमें कैलकुलेट किया जाता है। इसमें हम फूड और एनर्जी, इन सब चीज़ों को इसमें, फूड एनर्जी मतलब खाने पीने की वस्तुएं, एनर्जी पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं, इन चीज़ों को इसमें एक्सक्लूड किया जाता है, जोड़ा नहीं जाता है, यहाँ पे इन चीज़ों को इसमें जोड़ा जाता था। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको इसमें एक एक लाइन की डेफिनेशन से, नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसमें तो कोई डिफरेंस या कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी, ये मैं समझता हूँ। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये आपको देखना है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन देखने से पहले आपको दो तरीके की चीजें आपको बताऊंगा, एक तरफ लिखा है मैंने सीपीआई, एक तरफ लिखा है आपका डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई क्या होता है, आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, और ये होता है सीपीआई, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, आपको पता होगा कि आप कभी कभी बोलते हैं कि ये चीजें मैं होलसेल में खरीद के लाया हूं, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब वो इंडेक्स है जब वस्तुएं कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही, जब वहां पे जो रेट होता है, यानी कि एक्चुअली मार्केट में नहीं आई है, कंज्यूमर के लिए वस्तुएं अभी नहीं आई है, उससे पहले ही जो उनका प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस। आई थिंक आप किसको समझ रहे होंगे, जो अक्सर आपने मार्केट में देखा होगा, डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, उनका यही कहना होता है कि ये हम लोग डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे हैं, यानी कि मार्केट में कंज्यूमर के लिए चीज़ नहीं आई होती है, पहले ही वो चीज़ को लेके आते हैं वहाँ से, तो डायरेक्टली जब उसको संपर्क किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, होलसेल प्राइस। कंज्यूमर के हाथ में आने से पहले का जो प्राइस होता है मार्केट में आने से पहले का, तो उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस। और कंज्यूमर प्राइस क्या होता है, जो आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है, जो प्राइस आपके लिए होता है कंज्यूमर के लिए मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें उसमें, आने जाने का भाड़ा, गाड़ी का, ये सब चीज़ लगाने के बाद जो प्राइस बन के आता है उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस, या इसको क्या बोल दिया जाता है, रिटेल प्राइस, ठीक है। रिटेल नाम भी आपने सुना होगा। तो होलसेल और
क्या बोलते हैं इसको, कंज्यूमर प्राइस, ये चीज आपको समझ आ रही होगी। होलसेल तो आपको पता ही है क्या होता है, और हमेशा बल्क में खरीदा जाता है आपको पता है। होलसेल क्या क्या मतलब है, बल्क में आप आइटम खरीदते हो तो जो रेट मार्केट में होता है उससे कम में आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आप लोग बल्क में नहीं खरीदते हो, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो भारत सरकार का हमारे इंडिया का है, उसमें टोटल कमोडिटीज कितनी है, 676 आइटम इसमें है। 676 आइटम पूरे हैं जो WPI या इस इंडेक्स में है, जो कि क्या आते हैं आपके होलसेल प्राइस पे आपको देखने को मिल जाते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में टोटल जो कमोडिटीज हैं वो रूरल एरिया में यानी कि गांव के ग्रामीण एरिया में कितनी है, 448 है, अर्बन एरिया में 460 है। टोटल कमोडिटीज CPI के अंतर्गत रूरल एरिया में 448 है, अर्बन में कितनी है, 460 है, जो कि आपको कंज्यूमर प्राइस पे देखने को मिल जाती है। और होलसेल प्राइस में देखने को मिल जाने वाली जो आइटम्स हैं वो 676 आपके हैं। होलसेल प्राइस के लिए जो बेस ईयर देखा जाता है कि कोई ना कोई बेस ईयर तो बनाना पड़ेगा ना आपको, कि जिसके हिसाब से आप तय करोगे कि इस साल महंगाई बढ़ी है या घटी है, कितना परसेंट बढ़ी है कितना परसेंट घटी है, उसके लिए एक बेस ईयर होना चाहिए। तो होलसेल प्राइस के लिए जो बेस ईयर है वो 2011-2012 लिया जाता है फाइनेंशियल ईयर, और जो कंज्यूमर प्राइस के लिए बेस ईयर लिया जाता है वो 2018 लिया जाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कंज्यूमर प्राइस के लिए बेस ईयर, अगर आपको कंज्यूमर प्राइस का इन्फ्लेशन निकालना है किस हिसाब से महंगाई बढ़ी है या घटी है, तो उसके लिए बेस ईयर 2018 होता है। और अगर आपको होलसेल प्राइस के लिए निकालना है कि महंगाई घटी है या बढ़ी है, तो उसके लिए आपका बेस ईयर क्या होता है, 2011-12 होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है AP1 - AP0 या AP0 है ये अपॉन AP। देखिए आपको पढ़ने में अजीब सा लग रहा होगा ना, लेकिन आपको आपको ये फॉर्मूला पता है कैसे। देखो AP1 क्या चीज़ है, एग्रीगेट प्राइस ऑफ करंट ईयर की इस साल क्वांटिटी का प्राइस क्या है, उसको मैंने क्या लिखा, यहाँ लिख देता हूँ AP1। AP1 वो चीज़ है जो इस साल कमोडिटी का प्राइस है, और AP0 क्या है, एग्रीगेट प्राइस ऑफ बेस ईयर। किसी भी इसके लिए भी यही फॉर्मूला है, इसके लिए भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। एग्रीगेट प्राइस ऑफ बेस ईयर, कि बेस ईयर का क्या वो था, प्राइस क्या था। अगर महंगाई बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है इस साल प्राइस ज्यादा होगा, बेस ईयर में कम होगा। आपको पता है मैथ्स में परसेंटेज कैसे निकालते, दोनों का डिफरेंस करते हो, है ना, इस साल का क्या है पिछले बार का क्या था, डिफरेंस किया, और जो बेस ईयर है उसको अपॉन में रखते हैं हम लोग, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका परसेंटेज निकल के आता है। ऐसे तो करते हैं, यही ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने वहां पे लिख के दिखा दिया, जो वर्तमान में प्राइस है वो और जो पहले प्राइस था, बेस ईयर में क्या प्राइस था उनका डिफरेंस लिया जाता है, और बेस ईयर से कितना ज्यादा है यानी कि जो बेस ईयर है उससे कितना ज्यादा है इनटू 100 कर देंगे, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज। ये फॉर्मूला मैथ्स का है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। AP1 मैंने बता दिया एग्रीगेट प्राइस ऑफ करंट ईयर, और AP0 या AP0 क्या है आपका, एग्रीगेट प्राइस ऑफ बेस ईयर, ठीक है। भारत में हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में CPI जो इन्फ्लेशन है इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी कि CPI कौन सी है, ये वाली इन्फ्लेशन क्यों बोला जाता है इसको, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या थी आपके, हेडलाइन इन्फ्लेशन थी जो शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन होती है। जैसे आजकल आपके टमाटर महंगे हो रहे हैं, तो हमेशा के लिए महंगे नहीं है, एक शॉर्ट टर्म के लिए महंगे हैं, तो ये क्या होती है हेडलाइन, और टमाटर का जो रेट होगा किसमें आएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आ जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ कि यही क्या होता है CPI आपका क्या होता है, CPI आपका होता है यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। क्यों होता है, देखिए हम लोग अधिकतर जो इंडिया की बात अगर हम करें तो इंडिया में 80% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेड अपॉन रिटेल प्राइस, दैट्स व्हाई CPI इज यूज्ड। भारत में 80% जनसंख्या ऐसी है जो होलसेल पे डिपेंड नहीं करती है, वो किस पर डिपेंड करती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जब मार्केट में चीजें आती हैं तब वो खरीदते हैं इस चीज को, तो इसलिए हम लोग इस पे ही महंगाई को काउंट करते हैं, और इस पे महंगाई काउंट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन यहाँ पे बोला जाता है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें बता देता हूँ, भारत में जो ये पूरा डेटा है, जो अभी जितनी भी बात हमने करी है, पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है NSSO के द्वारा। NSSO का मतलब है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद दे दिया जाता है CSO को, ये इसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। कैलकुलेशन का काम कौन करता है, कलेक्शन का काम किया NSSO ने, कैलकुलेशन का काम करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात मैंने कल इससे पहले वीडियो में कर दी जब आपको नेशनल इनकम बताया गया था। CSO करता है कैलकुलेशन का काम, इसको अनाउंस करने का काम करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कलेक्ट करता है डेटा NSSO, कैलकुलेट करता है CSO, और इसको अनाउंस करता है कौन, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, फर्स्ट कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, और थर्ड RBI के थर्ड बट पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, चित्तामन दास देशमुख थे, CD देशमुख, ठीक है। CD देशमुख भारत
पहले इंडियन, लेकिन थर्ड गवर्नर थे इसके, पहले इंडियन गवर्नर और थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई बोल सकते हैं, बोलते हैं इनको, ठीक है, सीडी देशमुख। तो ये चीजें आपको मैंने बता दी, फ्लेक्सिबल थी। एक लास्ट चीज बताता हूँ, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, तो इसके फर्क प्रभाव क्या पड़ते हैं इन दोनों पर, किस किस पर, डेटर्स और क्रेडिटर्स पर, और एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स पर, ठीक है। डेटर्स और क्रेडिटर्स की बात करते हैं, डेटर्स मतलब क्या हो गया, जो डेट ले रहा है, और क्रेडिटर मतलब क्या हो गया, जो डेट दे रहा है, डेट मतलब कर्जा या पैसा, ठीक है। जो ले रहा है वो है डेटर, जो ले दे रहा है वो है क्या है, क्रेडिटर है। क्या असर पड़ता है इन्फ्लेशन का, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, देखिए मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपये दिए, या मैंने किसी से 100 रुपये लिए और मेरे को एक साल बाद लौटाने हैं, एक साल बाद हो गई महंगाई। अब एक साल बाद जब महंगाई हो गई और मैंने पैसे लिए, आज से एक साल बाद ये 100 रुपये की वैल्यू अब वो नहीं रहेगी जो आज है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, ठीक है। आज जो चीजें मैं 100 रुपये में खरीद सकता हूँ, एक साल बाद इन 100 रुपये में वो चीजें मैं नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने 100 रुपये ही लिए थे, तो मैं 100 रुपये ही उसको वापस दूंगा अपने दोस्त को, है ना। तो मैंने अपने दोस्त को 100 रुपये वापस दिए एक साल के बाद, लेकिन मेरे दोस्त को क्या हो गया, वहां पे घाटा हो गया, क्योंकि एक साल पहले वो जितनी चीजें इस 100 रुपये में खरीद सकता था, वो 100 रुपये में अब वो उतना आइटम्स नहीं खरीद सकता है, क्योंकि अब हो चुकी है महंगाई। इसीलिए एक साल पहले मेरे दोस्त ने मेरे को 100 रुपये दिए थे, तो वो क्या कहलाया था, क्रेडिटर कहलाया था। क्रेडिटर कौन हुआ, मेरा दोस्त हो गया, है ना, क्रेडिटर हो गया। और डेटर मैं था, क्योंकि मैंने पैसे लिए थे, तो मैं था क्या, डेटर। तो डेटर ने पैसे लिए एक साल पहले, एक साल बाद जब महंगाई बढ़ी उसने लौटाए 100 रुपये, एक नुकसान किसका हो गया, क्रेडिटर का हो गया। क्यों, क्योंकि 100 रुपये में अब वो आइटम्स को नहीं खरीद सकता है जो आइटम्स उसने पहले खरीदे थे, यानी जो पहले आइटम्स को खरीद सकता था वो आइटम्स अब उस 100 रुपये में वो नहीं खरीद सकता है। तो क्रेडिटर से क्या होता है, इसमें लॉस हो जाता है, यानी कि फायदा किसका होता है, प्रॉफिट किसका होता है, डेटर्स का, क्योंकि 100 रुपये की वैल्यू घट चुकी है, 100 रुपये में अब वो ज्यादा आइटम्स नहीं खरीद सकता है क्रेडिटर्स, है ना। तो इसका क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, समझ रहे हैं इस चीज को। अगर हम यही चीज इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के संबंध में बात करें, तो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स में क्या हो जाएगा, जैसे ही महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने के साथ ही क्या हो जाएगा, चीजों का प्राइस बढ़ने लगेगा, है ना। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, तो उसमें फायदा किसका होगा, एक्सपोर्टर का होगा, क्योंकि जिस चीज के लिए उसको 100 रुपये मिल रहे थे पहले, प्राइस बढ़ने के बाद उस चीज के अब कितने मिल जाएंगे उसको, 200 रुपये मिल जाएंगे। वो कहेगा कि यार मेरे को पहले कितने मिल रहे थे, 100 रुपये मिल रहे थे, अब मेरे को 200 रुपये मिल रहे हैं, तो फायदा किसका हो रहा है, एक्सपोर्टर का, जो आदमी जो सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, बेच रहा है हमें एक्सपोर्टर, ठीक है। तो उसको पहले 100 रुपये मिलते थे, लेकिन महंगाई अगर बढ़ गई तो कितने मिलने लगेंगे, 200 मिलने लगेंगे। तो एक्सपोर्टर का इसमें फायदा होने लगता है, इंपोर्टर का होने लगता है नुकसान, जो उसको पहले 100 रुपये मिल रही थी, अब उसको कितने में मिलेगी, वो 200 में मिलेगी, इसलिए इंपोर्टर का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, और एक्सपोर्टर का क्या हो जाएगा, इसमें फायदा होने लगेगा। ये लाइन आपको समझ आ रही होगी, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। करेंसी की वैल्यू घट जाती है इन्फ्लेशन के टाइम पे, इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट डेटर्स का होता है, और यहाँ पे एक्सपोर्टर का प्रॉफिट होने लगता है। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये टफ नहीं लगा होगा, इजी लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसमें, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, इसका आपको सोल्यूशन अगले वीडियो में जरूर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप अन्य डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।